आपने कभी फेक आयुर्वेद के बारे में सुना है? किस तरह से ये आयुर्वेदिक कंज्यूमर प्रोडक्ट कितने आयुर्वेदिक हैं और कितने केमिकल सूप हैं? और इस रिसर्च को करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। उसमें हमें दो चीज़ें करनी होंगी। नंबर एक, हमें उन प्रोडक्ट्स के सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, और दूसरा उन इंग्रेडिएंट्स को और उस प्रोडक्ट के टेक्सचर को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो मैं उस चीज़ के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल लूँगी और वो है शैम्पूज। मार्केट में इस टाइम आपको बहुत सारे हर्बल शैम्पूज, आयुर्वेदिक शैम्पूज मिल जाएंगे, पर अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उनमें झूठ ज़्यादा दिखेगा और सच कम दिखेगा। और मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना चाहूँगी। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ, मैं उन प्रोडक्ट्स का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि नाम में क्या रखा है। क्योंकि आदमी की असली पहचान तो उसके गुणों से ही होती है, इसी तरह से एक अच्छे प्रोडक्ट की पहचान उसके इंग्रेडिएंट्स से ही होती है, नाम में क्या रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पहला शैम्पू आंवला शिका का विद रीठा फॉर नॉर्मल हेयर, और अगर आप नीचे देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारा ज्ञान होगा, और उस ज्ञान के ऊपर अभी पानी फिर जाएगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट में सबसे पहली चीज़ जो है वो है पानी। सभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी चीज़ है सोडियम लॉरल सल्फेट, और सोडियम लॉरल सल्फेट हमारे बालों के लिए सबसे बुरा केमिकल है, सबसे बुरा केमिकल। अगर हम थोड़ी सी और नीचे आएँ तो आपको नीचे दो टाइप के पैराबेंस भी दिख जाएंगे, यूरिया भी दिख जाएगा, आर्टिफिशियल कलर और फ्रेगनेंस भी दिख जाएंगे। ये और ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये 100% हर्बल है। अगर आप पानी को इस तरह की जड़ी बूटियों के साथ रख दें, आंवला या रीठा या शीका काई, तो पानी उनको खराब कर देता है। गर्मियों के मौसम में पानी में भीगा हुआ आंवला रीठा शीका काई 2 दिन नहीं टिकता, और 2 दिन में ही उसके ऊपर फंगस आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये शैम्पू किस तरह से 6 महीने से 1 साल तक की एक्सपायरी डेट लिए हुए घूम रहा है, और इसमें आंवला रीठा शीका काई अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट में है। अब वो कितने ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं कि वो उस शैम्पू को कंटेमिनेट ही नहीं होने दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे आइडिया लगा सकते हैं कि आंवला रीठा शीका काई की क्वालिटी कितनी अच्छी बची है, क्योंकि वो जो उनका बेसिक बिहेवियर है वो वही लूज कर रहे हैं। एक दूसरी एग्जाम्पल, यहाँ पे तो कंपनी ने इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले हैं वो साफ साफ दिखा दिए हैं, पर कंपनी दूसरी तरह से भी ट्रिक करती हैं। वो कई बार इंग्रेडिएंट्स घुमा के छिपा देती हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, सब नेचुरल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। एप्पल जूस 2% है, शिकाकाई, घृतकुमारी, बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, सब कुछ नेचुरल है। और सबसे आखिर में इन्होंने मेंशन किया है प्योरीफाइड वाटर। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप इन सभी प्रोडक्ट्स के परसेंटेज को ऐड करेंगे तो वो इस प्रोडक्ट का 10% बनता है, और बाकी 90% पानी है। मेरा सिर्फ एक सवाल, अगर इसमें 90% पानी है और बाकी चीज़ें ये प्रोडक्ट्स हैं, इस शैम्पू में ये जो थिकनेस है वो क्यों है? और सेकंड, जो वो इतनी ज़्यादा झाग बनाता है वो क्यों है? क्योंकि जो कुदरती झाग बनती है वो है रीठा से, शीका का ही झाग नहीं बनाता है। बाकी 90% में पानी के अलावा और भी केमिकल्स हैं जो कि छिपाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को ऐड करके एक बॉटल में अपने घर पर रख लूँ तो ये गारंटेड ख़राब हो जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें पानी है, तो ये पानी इन ऑयल्स को, इन जड़ी बूटियों को ख़राब कर देगा, उसके ऊपर फंगस आनी शुरू हो जाएगी। फिर किस तरह से ये शैम्पू क्लेम कर सकते हैं कि इनका शैम्पू 1 साल से 2 साल तक एक्सपायर नहीं होता? ये सिर्फ मैंने एक प्रोडक्ट की एग्जाम्पल आपको लेके बताई है। आपको इसी तरह का पैटर्न ऑलमोस्ट हर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में मिलेगा। फिर वो आपका फेस वॉश हो, शैम्पू हो, कंडीशनर हो, टूथपेस्ट हो, हर जगह। मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी है इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक, उस प्रोडक्ट की डीप ऑब्जर्वेशन, और दूसरा इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। अगर आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट की सच्चाई दिखने लग जाएगी। आप में से अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट में कौन से प्रिजर्वेटिव हैं या इस प्रोडक्ट में क्या है। मुझे भी नहीं मालूम, मैं सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ, उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करती हूँ, और सच्चाई मेरे सामने होती है।
मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, ये इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट की सच्चाई है और यही इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी पढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कौन सा आयुर्वेदिक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका झोल अब आपके सामने है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। शुक्रिया।